तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज ये डेट 7 अगस्त। आई होप आप सब दोस्त लोगों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों, आज ऐसी कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा सके, केवल एक न्यूज को छोड़ के। एक न्यूज इंपॉर्टेंट थे कल, आप सबने इसको तो बारे में तो पता चल ही गया होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया, कई सारे क्या, मैं स्पेसिफिक बताऊं तो 500 जो एड है रेलवे स्टेशन, इनको रीडेवलपमेंट के लिए क्या किया, फाउंडेशन स्टोन रखा, मतलब शिलान्यास किया है। भाई, इतने 508 रेलवे स्टेशन को क्या किया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये कौन सी स्कीम के तहत किया जा रहा है, तो वो स्कीम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ज्यादा समझाने वाली बात नहीं दोस्तों, आपको केवल याद रखना पड़ेगा इस स्कीम का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या किया जा रहा है, तो रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये फोटो देखो, ये कोई मॉल का फोटो नहीं दोस्तों, ये है जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति, ये भोपाल रेलवे स्टेशन का फोटो है। इसके देखो, ये भी भोपाल रेलवे स्टेशन का फोटो है। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंडिया में भारत सरकार क्या दे रही, क्या फोकस कर रही है आज की डेट में। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है जितने भी रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, को मॉडर्न किया जा सके। भारत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुरानी है, बेसिकली ब्रिटिश के टाइम पे बनाई गई थी। कई स्टेशन तो आज ऐसे हैं जो ब्रिटिश कल के टाइम में डेवलपमेंट किए गए थे। इंडिया में हजारों रेलवे स्टेशन है, तो गवर्नमेंट चाहती है इसको, रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट किया जा सके। नई ट्रेनें चलाई स्पीडली, जैसे अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है। कई जगह पर क्या हो रहा है, रेलवे का जो नेटवर्क है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। कई जगह आज भी वो कोयले से चलता चलता है इंजन, तो उसको क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। तो ऐसे रेलवे पर भारत सरकार का बहुत ज्यादा बल है। और आपको अगर ध्यान हो तो इस साल के बजट में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है दोस्तों रेलवे की कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। रेलवे में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। तो इसी क्रम में दोस्तों, ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की गई है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। कल अगर आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी हो तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई हम 1300 ऐसे जो स्टेशन है ना पुराने, उनको रीडेवलपमेंट करेंगे। नए स्टेशन नहीं बनाए जा रहे, जो पुराने छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है दोस्तों। आजादी के बाद ही, आप पहले भी क्या होता था, हमेशा गवर्नमेंट का ध्यान बड़ी जगह पर होता था, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु, ऐसे जगहों पर वो तो क्या होता था, डेवलपमेंट हो जाया करता था रेलवे का। लेकिन जो छोटे स्टेशन है, जो स्मॉल रेलवे स्टेशन है, जैसे कोटा में ढकनी आया है, ऐसे रेलवे स्टेशन पर कभी भी जोड़ नहीं दिया गया। आज भी कोटा में मैं बताऊं, ढकने रेलवे स्टेशन है बेसिकली, इतने साल बाद भी वहां पर ढंग से उतरने का भी सिस्टम नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा वो प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि अगर आप पीछे के डिब्बों में बैठे हो तो आपको नीचे कूदना पड़ता है दोस्तों, आज की डेट में बता रहा हूँ मैं, मेरा खुद एक्सपीरियंस। तो ऐसी स्थिति है, तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इन स्ट्रक्चर को, इन जो स्टेशन है उनको डेवलपमेंट करना, अच्छी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल कराना, बिल्कुल जैसे मॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, वैसा इन स्टेशन को करना चाह रही है। सीसीटीवी हो वहां पर पर्याप्त में, जो दिव्यांगजन है उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था हो, साथ में वेटिंग रूम हो। आज की डेट में आप सब जानते हो छोटे रेलवे स्टेशन कहीं भी वेटिंग रूम की व्यवस्था होती नहीं है, तो ऐसी वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं, एक तरह से मिनी मॉल की तरह काम करेगा दोस्तों। वहां पर रेस्टोरेंट बनेंगे और भी कई सारी चीजें यहाँ पर डेवलपमेंट की जाएगी। तो ये बनने थे टोटल 1300 बनेंगे, लेकिन अभी जो फर्स्ट फेज में दोस्तों, जो कल 6 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने ने जो इनोग्रेशन किया या शिलान्यास किया, वो 508 रेलवे स्टेशन का किया है। इस पर दोस्तों 24,500, 24,500 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होंगे। और कल मैं रेलवे मिनिस्टर को सुन रहा था कि ये जो पैसा खर्च हो रहा है इसकी वजह से क्या होगा, जो टिकट है ना, प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह महंगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा पैसा कहां से दिया जाएगा, ये सारा पैसा बजट से दिया जाएगा, कोई अलग से प्राइवेट कंपनी इसको पैसा नहीं लगाएगी, जो फिर उसको क्या करे, फीस वसूल है। इसके अलावा दोस्तों, बढ़ने कितने थे, 1300 बढ़ने थे, 515,508 पे काम चलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी के रेलवे स्टेशन है और राजस्थान के हैं। 55-55 रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट किया जा रहा है। कोई अगर बच्चा राजस्थान का एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो वो 55 रेलवे स्टेशन की संख्या याद रखे, अपने अपने स्टेट की, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्कीम लॉन्च की गई थी उसमें इस स्टेट से कितने रेलवे स्टेशन थे। तो ये राजस्थान में 55 थे, यूपी में भी 55 थे। अब आप थोड़ा न्यूज देखे ढंग से, पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन। देखो, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है शिलान्यास, एक होता है उद्घाटन।
उद्घाटन तो कोई चीज पूर्ण हो जाती है ना उसके बाद करते हैं, और शिलान्यास मतलब काम की स्टार्टिंग होगी। तो अब इन रेलवे स्टेशन पर काम स्टार्ट होगा फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 500 अमृत भारत स्टेशन। क्या कहेंगे इन स्टेशन को? अमृत भारत स्टेशन कहेंगे। इनके ऐसे कितने हो रहे हैं टोटल, कितने करने हैं टोटल? दोस्तों 1300 करने हैं, लेकिन जो कल फाउंडेशन स्टोन रखा ना वो 508 के लिए रखा है। तो ये संख्या भी आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टैंड टू रीडेवलप 508 रेलवे स्टेशन। इसमें ऐसा दोस्तों ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, टू रीडेवलपमेंट जो रेलवे स्टेशन, इनको मॉडर्नाइजेशन करना, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करना। इसके लिए कौन सी स्कीम का नाम है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये स्कीम का नाम याद रखना दोस्तों, कई बार मेंस में आपको लिखना पड़ सकता है कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए क्या प्रयास कर रही है, तो उसमें इस स्कीम का नाम लिखा जा सकता है। टोटल कितने करने? 1300 करने, 1300। लेकिन अभी कल जो प्रोग्राम हुआ उसमें 508 की में काम स्टार्ट होगा। टोटल कितना? 24,500 करोड़ रुपए की इसमें खर्च होगा, और राजस्थान और यूपी से कितना कितना है? 55-55 रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों इतनी सी न्यूज थी, इसमें कोई समझाने वाली कोई बात नहीं थी, छोटी सी न्यूज है, ज्यादा लंबा वीडियो की आवश्यकता नहीं है। आपको भी जरा इसमें ना डूबना नहीं है, सिंपल सा याद रखो स्कीम चली है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसके तहत 1300 के आसपास रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट करना था, लेकिन कल जो 6 अगस्त को प्रोग्राम हुआ उसमें 508 को में काम स्टार्ट किया गया है, और इसमें लगभग 24,500 करोड़ के आसपास खर्चा होगा। अमाउंट याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ज्यादा इसमें डिटेल में डूबने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।